नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मिलाएंगे कि ऐसे इंसान से जो कुर्सी पर 100 गुब्बारे बांधकर उड़ पड़ा। जरूरी नहीं कि आम आदमी की तरह सोचने वाला कोई भी व्यक्ति असाधारण काम नहीं कर सकता। अगर दक्षिण अफ्रीका के टॉम मॉर्गन की सैर के बारे में जाने तो हमें लगेगा कि कुछ करने की इच्छा आदमी को सफल बनाने के लिए काफी है। ब्रिस्टल इंग्लैंड के टॉम ने हवाई सैर करने के बारे में सोची, लेकिन उनके पास उड़ने के लिए कोई उपकरण या यंत्र नहीं था। फिर भी वे निराश नहीं हुए, क्योंकि बहुत से लोगों को उन्होंने पैराशूट या प्लेन के सहारे हवाई सैर करते देखा। उनके पास मात्र एक कुर्सी और 100 गुब्बारे थे। टॉम ने अब तक किसी को कुर्सी के सहारे उड़ते नहीं देखा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने का जोखिम अवश्य दिखाया। अपने इसी शौक के चलते हाल ही में 38 साल के टॉम ने करीब 100 गुब्बारों में हीलियम गैस भरी। इसके बाद उन सारे गुब्बारों को कुर्सी से बांधकर वे आसमान में उड़े। वहाँ आराम से करीब 16 मील तक हवा में घूमे। उन्हें काफी मजा आया और वे वापस धरती पर भी आ गए। पर विदित हो कि टॉम मॉर्गन से पहले साउथ अमेरिका में भी एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया था। हालांकि जिस व्यक्ति ने यह कारनामा किया था वह काफी ऊंचाई पर चला गया था और फिर वापस नहीं आया था, इसलिए उसकी सफलता को लेकर भी संदेह है। लेकिन टॉम ने जो रास्ता अपनाया वह सुरक्षित भी है और आसान भी।